हेलो एवरीवन। तो आज के ये वीडियो में अपन इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है देख लो सभी जन। यहाँ पे ये जो नीचे जो तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं x-1 x-2 x-3 उसको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है वो देख लो। a अपॉन x-1 लिखो, फिर b अपॉन x-2, फिर लिखो c अपॉन x-3। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। मतलब यहाँ पे अपन ने फर्स्ट स्टेप क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है मतलब अपन ने ये जो फैक्टर्स है इनको सेपरेट कर दिया है। तीन अलग अलग फ्रैक्शंस दिख रहे हैं अब। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि क्वेश्चंस को अपने को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन लेना है उसका, क्योंकि अपन डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। तो डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे तो इसलिए अपन उसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सेपरेट कर देते हैं। और सेपरेट करने के लिए अपने को यहाँ पे ए बी और सी इनका वैल्यू लाना पड़ेगा। तो ए बी सी का वैल्यू कैसे लाते देखो। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है x-1 है, तो यहाँ पे ये सोचने का कि कौन सा फैक्टर नहीं है इसके साथ, वो उसको ए के साथ जोड़ दो। x-2 x-3 नहीं है तो नीचे आ जाएगा x-1 तो है, x-2 और x-3 जोड़ दिए। प्लस बी के साथ कौन नहीं है, बी के डिनोमिनेटर में x-2 है तो वो छोड़ के दो वाले फैक्टर देखो x-1 और x-3। प्लस सी के साथ कौन नहीं है, डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में है x-3 तो x-1 और x-2 नहीं है तो उसको जोड़ दो। एलसीएम ले लिया अपन ने, इन शॉर्ट अपन ने क्या कर दिया, एलसीएम लिया x-1 x-2 x-3, फिर यहाँ पे x-1 x-2 x-3। अब क्या करेंगे, ये जो LHS है LHS में भी सेम डिनोमिनेटर है x-1 x-2 और x-3, तो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म बचेंगे 3x-1, और यहाँ पे बचेगा a x-2 और x-3 प्लस b इन ब्रैकेट x-1 इंटू x-3 प्लस c इन ब्रैकेट x-1 x-2। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगा x²-5x प्लस 6 प्लस b इन ब्रैकेट x²-4x प्लस 3। यहाँ आ जाएगा c इन ब्रैकेट x²-3x+2 3x-1। अब अपन ए बी और सी का वैल्यू लाना है ना अपने को, तो अपन क्या करने वाले, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करने वाले। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करते वक्त अपने को क्या करना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो अपन सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कौन कौन आता है वो देख लो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन कौन आता देखो, ए एक्स स्क्वायर इधर है, बी एक्स स्क्वेयर और इधर है सी एक्स स्क्वेयर। फिर एक्स के साथ कौन आता है देखो। अब ये स्टेप्स इतने लिखते बैठेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपने डायरेक्ट करना चाहिए ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर को कॉमन लो तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर एक्स के साथ कौन कौन है देख लो, यहाँ पे एक्स के साथ आएंगे -5a फिर -4b इधर -3c, ये एक्स के साथ आ गया। फिर बचे वाले जो टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म है, कौन से टर्म्स बचेंगे देख लो, a इंटू 6 ये हो जाएगा 6a बेटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3b और फिर 2c। मैंने पहले ही अलग अलग कर दिया है। चलो तो अब अपन क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 रहेगा। देखो एक्स स्क्वायर की टर्म अब्सेंट है तो 0 ले लो, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी है
कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है चलो, तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 0 और इधर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। फिर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे देख लो -5a -4b -3c इज इक्वल टू 3 एंड देन 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1। ठीक है, LHS और RHS को अपन ने कंपेयर कर दिया है। देख चलो, अब यहां तक जिनका हो गया होगा आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, क्योंकि अपने को अगला जो स्टेप है ABC के वैल्यू लाने हैं। जैसे ही ABC के वैल्यूज आ गए आपका जो है 95% आंसर खत्म हो जाएगा, जैसे ही ABC का आंसर आ जाएगा। बट अब ABC के वैल्यूज कैसे लाने वो सिखा दो, क्योंकि तीन वेरिएबल है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलने का, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। क्या करने का, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट और सेकेंड में से एक को एलिमिनेट करो और फर्स्ट और थर्ड में से भी एक को एलिमिनेट करो, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड अपन एक को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो एक को एलिमिनेट करने के लिए जो इक्वेशन वन जो है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन वन को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आ जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन वन एंड टू एक के नीचे एक लिखो, 5a प्लस 5b 5c, ये मॉडिफाइड इक्वेशन वन है। इक्वेशन टू लिख दो, -5a -4b -3c इज इक्वल टू 3। तो कौन कैंसिल आउट होता, देखो a कैंसिल आउट होगा, चलो चेक कर लो। तो कौन बचेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर अब हम फर्स्ट और थर्ड जो इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, फर्स्ट और थर्ड उसमें भी a को एलिमिनेट करो, तो a को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे a को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन वन को इंटू 6 करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा देख लो, 6a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। दूसरा तीसरा इक्वेशन लिख लो, 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर लो, ये माइनस 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 और ये हो जाएगा प्लस, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3b, इधर आ जाएगा -4, सॉरी पॉजिटिव 4c इज इक्वल टू 1। चलो बी और सी का इक्वेशन मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो, इक्वेशन नंबर 5। जैसे ही 4 और 5 को सॉल्व करेंगे अपने को बी और सी मिल जाएगा, बी और सी मिला तो अपने को ए भी मिल जाएगा इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 या 3 से, बट अपने को बी और सी लाना पड़ेगा 4 और 5 से। तो अब इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 9, 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 9। फिफ्थ इक्वेशन लिख लो, 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 1, माइनस 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 कट, तो ये आ जाएगा बेटा 2c इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू आ जाएगा 4। c का वैल्यू आ गया, अब अपने को b का भी मिल जाएगा, b का इक्वेशन 4 से ला लो। ये देखो ये आ गया कि अपना आंसर हो जाएगा, b का आ जाएगा वैल्यू, ये +8 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 8, दैट इज इक्वल टू -5। b का भी वैल्यू आ गया है, सर a का वैल्यू लाना है, तो a का वैल्यू इक्वेशन वन से ला लो, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है, तो उसमें b और c का वैल्यू पुट करो, -5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a -1 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू आ गया है 1। ठीक है, a का वैल्यू 1 आ गया है, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 4।
अब अपना 95% आंसर हो गया है। लास्ट स्टेप अपनी जो बाकी है, ए बी सी के वैल्यूज तो आ गए, तो ये जो मेन इंटीग्रेशन है ना उस पर फोकस करो। ये जो मेन इंटीग्रेशन है ना, इसको आपने मॉडिफाई करके कैसा लिखा है, ऐसा इसका इंटीग्रेशन लेना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, चेक कर लो। चलो तो ए बी सी के वैल्यूज पुट कर लो, ये वन आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस फाइव एक्स माइनस टू। सी का वैल्यू कितना आया देखो, फोर, फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री, इधर डी एक्स हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा, लॉग एक्स माइनस वन, फिर माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू, प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री, प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, इधर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो आंसर क्या आता, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये अपन ने फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई किया, ठीक है। तो सभी का इंटीग्रेशन आ गया अपना, यहाँ पे देख लो, चेक करो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए, और आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चलो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।